हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं बनाऊंगी हिल्सा फिश का करी। ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है ये। यहाँ पे 1.5 केजी का हिल्सा फिश लिया है, अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। अब इसको हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट होते ही सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल में फिशेस अच्छा होता है। सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर फिशेस को डाल देंगे बैचेस में। फिशेस को ऐसे हल्के हाथों से फ्राई कर लेंगे। हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होता है, दोनों तरफ हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। कई लोग तो हिल्सा फिश बिना फ्राई किए हुए भी ऐसे ग्रेवी में डाल देते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे फिशेस थे, यहाँ पे सारे फिशेस मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब एक मसाला पेस्ट बना लेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब उसी कढ़ाई में, उसी तेल में कलौंजी और तेज़पत्ता का छौंक लगाएंगे और कुछ कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8-10 जन लोगों के लिए फ़िश करी बना रही हूँ। फिशेस भी मेरे बहुत ज़्यादा है। अब आलू को 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। एक सूखी लाल मिर्च भी डाल दिया है, उसको तेल में डालना था, मैं भूल गई थी, बाद में डाल दिया है। आलू को 2-3 मिनट फ्राई होते ही यहाँ पे कुछ हरा मिर्च एक पेस्ट बना लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। मेरा यहाँ पे हरा मिर्च 8-10 ठो था, उसको पेस्ट बना के डाल दिया है। अब आलू के साथ कुछ देर फ्राई कर लेंगे। अब उस कुछ देर फ्राई होते ही अब वो मसाला पेस्ट डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को 5-7 मिनट तक भून लिया है मैंने। यहाँ पे मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। साइड में मैंने पानी गरम करने रख दिया है, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है। अब ग्रेवी में उबाल आते ही नमक डाल देंगे। ग्रेवी को हाई फ्लेम में 2-3 मिनट तक उबाल लेंगे। पहले 2-3 मिनट हाई फ्लेम में उबालने के बाद फिशेस को डाल देंगे, फ्राइड किए हुए फिशेस, मछलियाँ डाल देंगे। अब मछली डाल के अब 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में उबालेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में उबाल लेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है हिल्सा फिश करी। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम में उबालने के बाद। अब 10 मिनट में लो फ्लेम में उबाल लेंगे। 10 मिनट लो फ्लेम में उबाल लेंगे ताकि अच्छे से फिश का फ्लेवर ग्रेवी में चला जाए और टेस्ट भी अच्छा है ग्रेवी का। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी में तेल ऊपर उठ चुका है, इसका मतलब ग्रेवी आपका रेडी हो चुका है। आप इसे चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। हिल्सा फिश करी वैसे तो सबका ही फेवरेट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।